गुड मॉर्निंग, आई एम तब्रेज़ अख्तर। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। अब ड्राइंग देख के हमें बताना है कौन सी ड्राइंग किसको शो कर रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है सर्किल, और एक ये दो सर्किल है, ये एक तीन सर्किल है। ठीक है, तीन सर्किल हैं और तीन सर्किल में हम ये देख रहे हैं कि इस तीन सर्किल को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड कर दें, हर एक सर्किल को ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड अगर कर देते हैं ऐसे, तो उसका दो पार्ट कलर किया हुआ है। इस सर्किल में दो पार्ट कवर है और इसमें भी दो कवर हैं और इसमें भी दो कवर है, है ना। तो टोटल तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं एक सर्किल के। तो तीन नीचे आएगा, थ्री नीचे आएगा, और कवर कितना हुआ है यानी शेप कितना, शेडेड कितना है, दो है। तो टू पार्ट टू ऊपर लिखेंगे तो 2/3 शेडेड है। ये सर्किल भी 2/3 शेडेड है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो तीन सर्किल जो हैं वो 2/3 शेडेड हैं। तो ये 3 × 2/3 इससे मैच कर देंगे, है ना। यहाँ पे दो बॉक्स हैं और दोनों आधा आधा शेडेड हैं, है ना। यानी टोटल दो पार्ट्स हैं इसमें, ये और ये, जिसमें से एक पार्ट शेड है, है ना। तो 1/2 शेड है। तो ये दो बॉक्स 1/2 शेड हैं, ये तीन बॉक्स 1/4 शेड है ये वाला, और ये दो सर्किल हैं जो 1/5 शेड हैं। ठीक है, तो शेडेड पोर्शन कुछ ऐसे आपको निकाल लेना है, उसके बाद इसको मैच करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज सम पिक्चर्स ए टू सी गिवन, टेल विच ऑफ देम शो। अब इसमें भी पिक्चर को देख के हमको बताना है कि कौन सा पिक्चर किसको शो कर रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा एक सर्कल के तीन पार्ट, ये तीन हिस्से किए गए, एक हिस्से को शेड कर दिया गया। इसमें भी एक सर्कल के तीन पार्ट किए गए और इसमें से एक पार्ट को शेड कर दिया गया। एंड देन ये दोनों पार्ट को जब ऐड किया गया तो क्या मिला हमको, क्या मिला, ये एक पार्ट इसका शेड था, एक इसका शेड था, दोनों मिल गए, तो दो पार्ट शेडेड हो गया यानी भर गया। दो पार्ट भर गए तो एक पार्ट खाली बचा, यानी टोटल तीन पार्ट थे, थ्री हिस्से, और उसके बाद दो हिस्से जो हैं वो भर दिए गए। तो ऊपर दो नीचे तीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये 2/3 होना चाहिए, है ना, 2/3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2/3 ये है, ठीक है। देखते हैं आंसर, है ना, 2/3। इसी तरीके से आपको फिर इसमें से देखना है कि ये क्या बता रहा है, आपकी बुक में भी बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बता रहा है कि ये इन तीनों को ऐड करने के बाद आंसर मिल रहा है आपको, ये, है ना। तो कर लेते हैं इसको भी, एक ट्रायंगल के अंदर के कितने पार्ट किए गए, कितने हिस्से किए गए हैं, ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, ये तीन और ये चार, चार हिस्से किए गए, ठीक है। 4 पार्ट्स इस ट्रायंगल के थे यानी चार नीचे, और कलर कितने कर दिए गए, 3, तो 3 ऊपर। फिर उसके बाद इस दूसरे वाले ट्रायंगल में भी सेम है, यानी 3 कलर्ड टोटल पार्ट्स 4, और इसमें भी 3 कलर्ड और टोटल 4,
ना, जब इन सबको मिक्स कर दिया गया या सबको मिला दिया गया तो हमें टोटल क्या मिलने वाला है? हमें जो मिलने वाला है उसका आंसर ये है ना। यानी हमें जो मिलने वाला है, यानी ये फोर पार्ट्स थे और चार के चार भरे हुए हैं, ये भी चार पार्ट चार के चार भरे हुए हैं, और ये भी फोर हिस पार्ट्स हैं और इसमें से सिर्फ एक भरा हुआ है ना। तो इस टाइप से हमें आंसर मिल रहा है, ये फोर से फोर कट गया, ये फोर से फोर कट गया, वन आएगा यहाँ, यहाँ भी वन आएगा, ठीक है। तो ये वन प्लस वन प्लस वन बाई फोर कितना हो गया, वन प्लस वन टू और वन बाई फोर, यानी टू राइट वन बाई फोर आंसर होगा, यानी थर्ड वाला ये है, ये आंसर होगा, बचा हुए का आंसर ये होगा, है ना। तो थर्ड का भी यस इस तरीके से करो। और आगे आते हैं, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन है कि जितने हैं सब से बन जाएगा। 7 × 3/5 करना है तो 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 7 × 3 = 21, 21/5 ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब उसके बाद जब ये 21/5 हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में करना है कन्वर्ट। मिक्स फ्रैक्शन मतलब इनका डिवाइड कर दो, इन दोनों का, ठीक है। जितना डिवाइड होगा उतना डिवाइड कर दो। तो चलिए डिवाइड करते हैं, 21 यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना बचा, 1, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, कि हमको ये जो 4 आंसर आया ना, सबसे पहले 4 लिखना है साइड में, उसके बाद जो रिमाइंडर बचा, एक बचा था ना, उस एक को ऊपर, और ये जो 5 था हमारा जिसके साथ जिससे डिवाइड कर रहे थे, उस 5 को नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 right 1/5 आंसर, यही होगा आपका आंसर, ठीक है, ये आया है ना। इसी टाइप से एक और बताता हूँ आपको, लाइक 11 × 4/7, इसमें क्या करना है, 11 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 44 अपॉन में क्या था, 7, ठीक है। 44 और 7 का डिवाइड कर दो, 7 की टेबल पढ़ो, ठीक है। तो आपको ये कहाँ तक जाएगा, 7 6 जा 42 होता है ना, 7 6 जा 42 होता है, ठीक है। तो 7 6 जा, चाहो तो आप डिवाइड कर दो जैसे मैंने किया, और भी फास्ट करना हो तो मैं आपको इस टाइप से बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर सकते हो, कि आपको 44 से 44 को डिवाइड करना है 7 से, तो 7 की टेबल पढ़ो, 7 6 जा 42 होता है, ठीक है। 42 ही लोगे, उसके आगे नहीं ले सकते, क्योंकि फिर 7 7 जा 49 हो जाएगा, जो कि बड़ा होता है, ठीक है। तो 6 जा में आपका 42 आ रहा है, तो आपका 6 पहले लिखोगे, 7 6 जा 42 है ना, तो 6 लिखो, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है रिक 6 आएगा। फिर उसके बाद 42 आया था, तो 42 में 44 को माइनस करो, ठीक है। तो कितना बचेगा, 2 बचेगा है ना, 2 बचेगा, 2 ऊपर लिखो, नीचे वाला 7 नीचे ही रहे, ठीक है। तो इस तरीके से 6 right 2/7
सेवन आंसर आ जाएगा सेवेंथ का। सिख है ये आ गया। एक और बता देता हूँ और भी स्पीड के साथ, ये वाला। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, 15 3 जा 45, 45/5 आ गया। 5 का डिवाइड 45 से करो, कितने बार में जाएगा? 9 टाइम्स में जाएगा। कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में जाएगा। 9 आएगा आंसर। क्या आएगा भाई? 9 आएगा। बस अब बच रिमाइंडर तो बच नहीं रहा कि जो लिखे हम, है ना, तो 9 आंसर। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन, यानी फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर भी शेड करने को 1/2 ऑफ द सर्कल शेड करने को बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है ये बॉक्स और कह रहा है कि इसको शेड करो 1/2 ऑफ द सर्कल्स, यानी जितने सर्कल दिए हैं उसके 1/2 शेड करने हैं, है ना। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ दी हुई है, मान लीजिए कि ये कोई केक रखा हुआ है, ठीक है। अब इस केक को मान लीजिए 1/2 इसका ईट करना है, यानी खाना है, ठीक है। तो 1/2 इस केक का मुझे खाना है, तो सबसे पहले इस 2 को देखो। ये 2 ये कहता है कि पहले तो इसके दो टुकड़े करो, यानी दो हिस्से करो। 2 का मतलब दो, और इक्वल पार्ट होने चाहिए। तो इसके दो टुकड़े करे, यानी ये दो कर दिए, दो हिस्से हो गए इस केक के। और फिर कह रहा है खाना है 1/2, यानी दो हिस्से कर दिए तो उसमें से खाना क्या है? 1, उसमें से एक हिस्सा खा लो। तो इतना आप खा लो, ये वाला पूरा। तो इसको हम कहेंगे कि हमने 1/2 केक खा लिया, ठीक है। इसी टाइप से ये सर्कल दिए हुए थे यहाँ पे, टोटल 12 सर्कल दिए हुए थे, ठीक है। तो 12 सर्कल दिए हुए थे और कह रहा था कि 1/2 आपको शेड करना है, तो सबसे पहले इसके दो टुकड़े करो, यानी दो हिस्से में बांटो 12 सर्कल को। तो यहाँ से हम बीच से एक लाइन खींच देंगे तो 12 सर्कल जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ऊपर रहेंगे 6 सर्कल, नीचे भी रहेंगे 6 सर्कल्स, ठीक है। अब कह रहा है कि एक शेड कर दो उसमें से, है ना, एक हिस्सा शेड कर दो। तो एक हिस्सा मतलब 6 सर्कल शेड कर दो। ये देखो 6 सर्कल हमने शेड कर दिए, तो ये हो गया 1/2 शेडेड, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा था कि 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स। अब बॉक्स में 2/3 शेड करने, ठीक है। एक तो आपने पता आपको पता चल गया कि 1/2 शेड करने का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको डायरेक्टली ये बता देता हूँ कि आपको करना कैसे होता है, ठीक है। ये आपको 1/2 ऑफ द सर्कल शेड करने को बोला था ना, तो 1/2 लिखो, है ना। और टोटल सर्कल कितने थे? 12 थे ना, 12 यहाँ रखो इनटू में। 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। इसका मतलब 6 सर्कल्स को शेड करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा था 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो 2/3 ऑफ 9 ट्रायंगल्स, यानी टोटल ट्रायंगल 9 है ना, तो 2/3 ऑफ 9 हमको कलर करना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इस ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा के रखेंगे, और 9 लिखा हुआ तो 9 लिख देंगे। 3 3 जा 9 कट गया, और इस 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 आंसर आएगा, यानी 6 सर्कल को, सॉरी 6 ट्रायंगल शेड करने हैं, ये देखो। इसी टाइप से 3/5 ऑफ 15 स्क्वायर्स, 15 स्क्वायर दिए हैं उसमें से 3/5 कलर करना है।
तो 3/5 × 15, ठीक है। नीचे वाले 5 से ये 15 कटेगा, फिर 5 3 15, और ये 3 3 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 सर्कल को कलर कर देना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है इसमें, जो बुक में करने वाले हों वो बुक में कर लेना, ठीक है। फाइंड 1/2 ऑफ 124 एंड 46, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। पहले बोल रहा है 1/2 ऑफ 24, और फिर उसके बाद बोल रहा है 1/2 ऑफ 46 भी निकालना है, ठीक है। तो इस ऑफ की जगह अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई होता है ये ऑफ का मतलब। तो इस ऑफ को हटा के आंसर में क्या करोगे, 1/2 × 24, क्या करोगे, 1/2 × 24, तो ये कट जाएगा, 2 से 24 काटेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4 12 आएगा, ये 12 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी आंसर 12 आएगा, ठीक है, 12 आ गया। इसी तरीके से फर्स्ट में दूसरा वाला भी बोला है, है ना, है ना। तो दूसरे वाले में क्या है, ये 1/2 46 के साथ करना है, 1/2 × 46, तो 2 से इसको काटोगे कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 23 आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसी टाइप से फिर ये वाला कैसे करोगे, 4/5 ऑफ 20 लिखा हुआ है, तो 4/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये 20 20 यहाँ की है, 5 4 20, ऊपर 4, और ये 2 बार 4 है, 4 × 4 हो जाएगा, 4 4 16 आंसर, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, 4/5 को अब 3/5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4/5 ऑफ 3/5 मतलब 4/5 × 3/5, 5 7 35, 7 4 28, आंसर क्या आएगा, 28 आएगा, डी का आंसर, ठीक है। इस टाइप से करेंगे, बहुत इजी इजी बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई करना है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक काम करते हैं कि सबसे पहले इसको जो है इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद फिर से मिक्स में चेंज कर देंगे, है ना। चलें, तो करना ये है कि इस क्वेश्चन को पहले लिखो, उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या करना कि इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे, ये लिखा हुआ है 5 right 1/5, इसका मतलब ये होता है कि आपको इस नीचे वाले 5 को सबसे पहले यहाँ पे दिए हुए नंबर के साथ, यानी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कर दो तो 5 5 या 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 25 के साथ ऊपर लिखा हुआ नंबर ऐड करना है, ऊपर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो +1 ऐड कर दो, यानी 25 में 1 जोड़ दीजिए, उसके बाद अपॉन लगाइए, और नीचे जो भी लिखा हुआ है, नीचे 5 लिखा हुआ है ना, 5 लिख दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 25 + 1 यानी 26, और यहाँ नीचे हो जाएगा अपॉन 5, तो 26/5 हो गया, यानी ये चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको चेंज किया मैंने, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 26/5। अब क्या करें, अब हम इजीली जो अभी इससे पहले करते आए हैं, 3 × 26/5 दिया है, इसका मतलब 3 का 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही 3 का 26 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 78/5, क्या मिलेगा, 78/5, ये देखो। अब इस 78/5 को फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 5 का 78 के साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली करने के लिए ये देखो, ये 7 लिखा है, 5 का डिवाइड करूँगा तो 5 बन जाए 5, एक बार में जाएगा 1 टाइम, ठीक है।
कैरी कितनी बचेगी, 7 और 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो कैरी 2 बचेगी। अब 2 कैरी बचेगी और ये 8 है, तो इस 2 और 8 को मिला के 28 बनता है। तो 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 होगा, ठीक है, 5 5 जा 25 होगा, इसीलिए 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर 25 और 28 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी रिमाइंडर 3 बचने वाला है। तो रिमाइंडर को ऊपर और नीचे क्या लिखते हैं, इसी को 5 को, तो 15 राइट, 3/5 आंसर आ जाएगा। वैसे भी मिक्स फ्रैक्शन में मैंने बताया डिवाइड करके आप कैसे कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो ना। उसके बाद हम आते हैं ई वाले क्वेश्चन में। ई कह रहा है कि 3 राइट 1/4 इंटू 6 करो, ठीक है, इसको पहले चेंज करो। चेंज करने का तरीका बताया, 4 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12। अब उस 12 में जो भी आंसर आया उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस करो, यानी ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो 12 प्लस 1 क्या हुआ, 13। अब 13/4, नीचे जो भी लिखा रहता है उसको बाय में वही लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 13/4। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, 13/4 आ गया। इंटू 6 भी करो, क्या करो, इंटू 6, ठीक है। इनको इनको काट सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। उसके बाद 13 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 39 आएगा, और अपॉन में 2 है, यानी 39/2 क्या आएगा, 39/2। अब इस 39/2 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 2 का डिवाइड 39 के साथ कर दो, तो डिवाइड करने के बाद क्वोशेंट मिलेगा 19, तो 19 यहाँ लिखो, रिमाइंडर को ऊपर लिखो, और नीचे 2 था तो नीचे 2 ही रहेगा, तो 19 राइट 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। इस टाइप से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि कह रहा है फाइंड 1/2 ऑफ 2 राइट 3/4, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड सॉरी इसको हमको सॉल्व करना है, तो हमको पता है यहाँ 1/2 ऑफ ऑफ बोल रहा है, ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, तो 1/2 ऑफ यानी 1/2 इंटू, और फिर उसके बाद ये क्या दिया है, 2 राइट 3/4, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको चेंज करो, चेंज करने का तरीका 4 इंटू 2 यानि 8, 8 प्लस 3 यानि 11 11/4, नीचे 4 था तो 4 आएगा, 11/4 आ जाएगा ये, तो 1/2 इंटू 11/4 करना पड़ेगा, 1/2 इंटू 11/4, ठीक है। अब कर दो, ऊपर वाले नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर के साथ कर दो, नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर के साथ कर दो, 11 1 जा 11, 4 2 जा 8, 11/8 आंसर आया, ठीक है, क्या आया, 11/8। अब 1/2 ऑफ 4 राइट 2/9 भी करना है, है ना, तो 1/2 ऑफ 4 राइट 2/9 भी करना है। देखिए सबसे पहले इसको चेंज किया, कैसे चेंज करेंगे, 4 इंटू 9 या 9 इंटू 4, 36 आएगा, ठीक है, 36 में ये 2 को ऐड करेंगे, 38 हो जाएगा, ऊपर 38 नीचे 9, तो 38/9 हो जाएगा। 1/2 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमारे पास आ गई इक्वेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन उस टाइप का बन गया। अब नीचे के नंबर नीचे के साथ मल्टीप्लाई, यानी 9 2 जा सॉरी, मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये भी देख सकते हैं कि अगर कुछ कट रहा हो तो हम काट देते हैं, ठीक है, तो हम चाहें तो इस 2 से ऊपर वाले नंबर यानी 38 को काट सकते हैं, तो काटेंगे तो 2 1 जा 2, कैरी 1 आई, 18 बन गया, 2 9 जा 18, तो 19 आया ऊपर, 19 ऊपर और नीचे 9, 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो 19/9 हो गया, 19/9 हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, यानी डिवाइड कर दो इन दोनों का,
नाइन टू जै 18 होता है, के वन आएगा, वन रिमाइंडर रहेगा, तो रिमाइंडर ऊपर लिख देंगे, तो 2 right 1/9 हो जाएगा आंसर में, ठीक है। तो वही वही टाइप के क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा और आप उसको कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल डैट कंटेन्ड 5 liter ऑफ वाटर। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, ठीक है। दो बच्चे हैं विद्या और प्रताप, ये पिकनिक पे गए, ठीक है, और उन्हें एक पानी की बोतल दी गई 5 liter की, यानी 5 liter की। विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर कंज्यूम कर लिया, यानी पी लिया, है ना। तो प्रताप ने बचा हुआ पानी पी लिया। अब हमको बताना है कि विद्या ने कितना पानी पिया, और ये बताना है कि प्रताप ने कितना पिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2/5 ऑफ वाटर विद्या कंज्यूम्ड, यानी विद्या ने 2/5 ऑफ वाटर पी लिया। ऑफ लिखा हुआ है, द वाटर यानी पानी था कितना, 5 liter था, और उसने 2/5 पी लिया, यानी 2/5 ऑफ 5, यानी ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 का मतलब 5, ठीक है। 5 liter पानी था इसलिए ऑफ 5 होगा ना। अब नीचे वाले 5 से ऊपर वाला 5 कट गया, तो सिर्फ बचा मेरे पास 2, तो इससे पता चला कि विद्या ने 2 liter पानी पिया, कितना, 2 liter, आंसर आ गया 2 liter। अब हमको अगर बताना है प्रताप ने कितना पिया, तो हम तो टोटल पानी था कितना, 5 liter, 5 में से जब 2 पी लिया विद्या ने, यानी 2 माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 3 liter, तो 3 liter तो प्रताप ने पिया होगा, उसने पूरा पी लिया था ना, ठीक है। तो प्रताप कंज्यूम क्या, 3 liters ऑफ वाटर, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन के तरीके से करेंगे तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि टोटल फ्रैक्शन में टोटल किसी चीज़ की वैल्यू क्या होती है, 1। कोई चीज़ अगर पूरी होती है या कंप्लीट होती है तो वो फ्रैक्शन में क्या कहलाता है, 1, ठीक है। अब तो मान लीजिए पहले पानी क्या था, पूरा 1 था, अब इस 1 पानी में से 2/5 पानी पी लिया, किसने पी लिया, विद्या ने पी लिया, तो पूरे पानी में से 2/5 को माइनस कर दूंगा, पूरा पानी मतलब 1, और उसमें से 2/5 माइनस करता हूँ, तो कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, सॉरी इस टाइप का एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो इसको मैं आपको बता भी चुका हूँ, 1 minus 2/5 है, इस 1 को क्या कर लो, 1/1 लिख लो, -2/5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका 5 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, ठीक है। तो 5 का 1 के साथ 5 into 1 5, बीच में माइनस लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है माइनस, 2 into 1 यानी 2, और उसके बाद अपॉन 5 into 1 5 1 जो 5, ये हो गया है ना। 5 में 2 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 3/5, क्या हो जाएगा, 3/5, 3/5 आंसर हो गया। 3/5 लीटर पानी किसने पी लिया, प्रताप ने, 3/5 liter ऑफ टोटल वाटर, टोटल वाटर था कितना, टोटल वाटर 5 liter था, उसमें से 3/5 पी लिया, इसका मतलब क्या हुआ, 5 से 5 कट गया, बचा क्या, 3 liter पी लिया। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, मेरी वाली मेथड जो शुरू में थी, आप सीधे सीधे विद्या ने जितना पिया और टोटल वाटर में से माइनस कर दो, वो आ जाएगा, वो भी से उससे भी कर सकते हो। तो ये था हमारा एक्सरसाइज। अब आते हैं 2.3 एक्सरसाइज में, है ना। 2.3 क्या कहता है बेटा, फाइंड 1/4 ऑफ 1/4 एंड 3/5 एंड 4/3। फिर से सेम क्वेश्चन, पता नहीं क्यों इतने क्वेश्चन दिए हुए, 1/4 ऑफ 1/4 निकालना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यानी 1/4 into 1/4,
और नीचे का नीचे के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का ऊपर के साथ, 1/16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/4 ऑफ 3/5 यानी 1/4 इंटू 3/5, तो ऊपर 3 है और 1 है, यानी ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, 3/20 है ना, तो 3/20 हो जाएगा। इस तरीके से आपके सारे आंसर आते जाएंगे एक एक करके, है ना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप ये देखिएगा कि यहाँ 1/4 लिखा है क्या बुक में, और यहाँ पे क्या लिखा है, 3/5 लिखा है या 3/4 लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ 3/4 लिखा है तो फिर उसके हिसाब से ये आंसर सही है, अगर यहाँ 3/5 लिखा है तो फिर आंसर ये गलत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसने 3/4 ले लिया है ना। तो आप ये देखिएगा 3/4 क्वेश्चन में है या 3/5। ठीक है, तो अगर हम इसी के हिसाब से देखें, ये 1/4 इंटू 3/4 कर लें, तो कुछ इस तरीके से जब हम करेंगे, है ना, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, 3/16 आंसर आएगा। अदरवाइज अगर 5 होगा तो 3/20 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो अभी किए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म इफ़ पॉसिबल, मल्टीप्लाई करने के बाद इनको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, 2.3 के ये क्वेश्चन कह रहे हैं मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2/3 इंटू 2 राइट 2/3, तो 2/3 इंटू 2 राइट 2/3 का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसको आप सिंपल फॉर्म में यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। करने का तरीका है, इस 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, ऊपर वाला नंबर प्लस करो, यानी 6 प्लस 2 8। ठीक है, क्या हो गया, 8 हो गया, ऊपर नीचे जो लिखा है 3 है तो नीचे 3 ही लिखो, तो 8/3 बन गया ये, और ये 2/3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 2 जा 16, ऊपर आएगा 16, नीचे 3 3 जा 9, 16/9 आ गया, आंसर आ गया आपका 16/9। इसको 16/9 को आपको चेंज करना है मिक्स में, तो 9 का डिवाइड कर दो 16 के साथ, तो 9 1 जा 9 एक ही बार जाएगा, और 9 - 16 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, 7 ये रिमाइंडर है, और नीचे आ जाएगा आपका 9, 1 राइट 7/9 आंसर। इसी तरीके से अगर हम फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखें, 1/3 इंटू 15/8 है, 1/3 इंटू 15/8, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ऊपर का ऊपर के साथ, यानी 15 नीचे का नीचे के साथ, यानी 24। अब 24 और 15 आया, ठीक है, यानी 15 एंड 24 आया, तो 15 एंड 24 को हम ऐसे ही लिखे रहने दें। ठीक है, या फिर किसी नंबर से कट रहा हो तो काट सकते हैं। ठीक है, या हम यहीं पे काट सकते थे, कहाँ पे, यहाँ पे 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो ऊपर आ जाएगा 5, नीचे बचा क्या 8, 5/8 आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करते जाएंगे और आपको आंसर मिलता जाएगा। लास्ट वाला है 4/5 × 12/7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले का, तो क्या हो जाएगा 48, 12 4 जा 48, 7 5 जा 35, 48/35 आएगा, 35 का 48 से डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, क्वेश्चन 1 मिलेगा, और 48 माइनस 35 करो तो 13 बचता है, जो कि रिमाइंडर है, और 35 नीचे। ठीक है, अगर इस तरीके से डायरेक्ट ना बने तो डिवाइड कहीं साइड में करके चेंज कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन,
इसमें भी फिर वही मल्टीप्लाई, यानी ये लिखा हुआ है तो यानी 2 बाई 5 लिखा हुआ है इंटू 5 राइट, 1 बाई 4, इसको चेंज करो तो 5 4 जै 20, 20 प्लस 1 21 अपॉन 4, 21 अपॉन 4 हो गया, 21 अपॉन 4 होगा यानी ये हो जाएगा 2 बाई 5 इंटू 21 अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ 2 1 जै 2, 2 2 जै 4 ये कट गया, 5 2 जै 10 हो गया, ऊपर 21 था तो हो जाएगा 21 अपॉन 10, ठीक है। 21 अपॉन 10 को मिक्स में चेंज करेंगे यानी 10 का 20 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 10 2 जै 20 होता है, यानी 2 यहाँ आएगा राइट में, ठीक है। उसके बाद कैरी, सॉरी रिमाइंडर 1 बचेगा क्योंकि 21 माइनस 21 करते हैं तो 1 बचता है और नीचे 10 रहेगा, तो 2 राइट 1 बाई 10 आंसर आ जाएगा, यानी 2 होल 1 बाई 10 भी कह सकते हैं। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हैं, अभी आगे एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन आप करते जाएंगे। विच इज़ ग्रेटर, कौन ग्रेटर है, ठीक है। क्वेश्चन है 2 बाई 7 ऑफ 3 बाई 4 या फिर 3 बाई 5 ऑफ 5 बाई 8, इन दोनों में से कौन बड़ा है, ठीक है, ये या फिर ये। पहले तो इनको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि बड़ा कौन या छोटा कौन, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है 2 बाई 7 ऑफ 3 बाई 4, 2 बाई 7 ऑफ का मतलब इनटू 3 बाई 4, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 2 3 जै 6 और नीचे होगा 7 4 जै 28, तो ये हो जाएगा 6 बाई 28, क्या हो गया, ये हो गया 6 बाई 28, और इनका भी मल्टीप्लाई कर दे, ऑफ लगा है, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर के साथ यानी 15 5 3 जै 15, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 8 5 जै 40 15 अपॉन 40। अब हमको बताना है कि कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, ये वाला है या ये वाला, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हमें डिनोमिनेटर जो है इसके सेम करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे तो हम ऐसे नहीं बता सकते, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे तो हम नहीं बता सकते। तो मैंने अभी जो बताया, ठीक है, फिर से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था, ये देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 2 बाई 7 ऑफ 3 बाई 4 या फिर, और का मतलब या, 3 बाई 5 ऑफ 5 बाई 8, तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, इसीलिए बीच में या लिखा हुआ है, ये या ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं 2 बाई 7 ऑफ 3 बाई 4 क्या होता है। तो 2 बाई 7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 बाई 4 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 2 1 जै 2, 2 2 जै 4 ये कट गया, 7 2 जै कितना होता है 14, ऊपर 3 है तो 3 1 जै 3, तो 3 बाई 14 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 बाई 14। तो हमें एक की वैल्यू मिल गई इसकी, ये हो गई 3 बाई 14, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसमें भी ऑफ लगाया यानी बीच में मल्टीप्लाई, तो 5 3 जै 15 और नीचे है 5 8 जै 40, है ना, 15 बाई 40 हो गया। काट सकते हैं, 5 से कट जाएगा, दोनों कट जाएंगे 5 3 जै 15 और ये हो जाएगा 5 8 जै 40, तो 3 बाई 8 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा 3 बाई 8। अब हमें ये बताना है 3 बाई 14 बड़ा या 3 बाई 8 बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिनोमिनेटर सेम तो नहीं मिल रहा है पर न्यूमरेटर सेम मिल रहा है। तो हमने कुछ पढ़ा हुआ था क्लास 6 में, क्या पढ़ा हुआ था कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर वाले नंबर को देख के पहचान जाते हैं, जो बड़ा होता है उसको हम बड़ा समझ लेते हैं और जो छोटा होता है उसको छोटा। जैसे कि 2 बाई 7 और 3 बाई 7 लिखा हुआ है तो हम ये समझ सकते हैं ऊपर की वैल्यू को देख के कि बड़ा कौन है। यहाँ पे 3 बाई 7 बड़ा होगा, 3 बाई 7 ग्रेटर इसलिए होगा क्योंकि ऊपर जो है उसके पास 3 है और 3 जो है
थ्री इज ग्रेटर देन टू, इसीलिए हम 3/7 बड़ा कह रहे हैं। लेकिन जब ऊपर के नंबर यानी न्यूमरेटर सेम होते हैं तब हमेशा केस उल्टा होता है। न्यूमरेटर अगर सेम होते हैं, जैसे कि 7/2 और 7/3 लिखा है, तो अब इस केस में क्या है कि सेम जो है वो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अब हमें नीचे को देख के बताना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। तो नीचे वाली वैल्यू को देख के हम बताएंगे कि 3 बड़ा है, इसीलिए 7/3 बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि अब हमें उल्टा केस फॉलो करना पड़ेगा, यानी जो छोटा दिख रहा है वो एक्चुअली में बड़ा होगा। यानी ये 2 छोटा है 3 से, लेकिन 7/2 बड़ा होगा 7/3 से। तो हम इस तरीके का साइन लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि 3/14 और 3/8 लिखा हुआ है, तो 14 एक्चुअली में बड़ा होता है लेकिन वो यहाँ पे छोटा कहलाएगा, और 8 एक्चुअली में छोटा होता है इसीलिए बड़ा कहलाएगा, और हम ये साइन लगाएंगे। ठीक है, समझ गए बात? ठीक, चलिए अब उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर भी हम कुछ इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई रख के 3/7 और 2/7 मिलेगा। जब इस तरीके की कंडीशन हो गई तो हमें पता है कि नीचे की वैल्यू जब सेम हो जाती है डिनोमिनेटर, तो ऊपर जो बड़ा होता है उसी को बड़ा साइन दे देते हैं। तो इस तरीके का साइन लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, 5 से क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो यहाँ तक आप कॉपी कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 से मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। थैंक यू।